हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम पेपर वन के लिए प्रिपरेशन करने हैं। पेपर वन की 38 क्लासेस हो गई हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट से इन क्लासेस को देख सकते हो। अगर आपको इन क्लासेस के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सभी क्लासेस के PDF अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जनरल इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चंस आपके जितने भी स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही KVS और NVS के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज द सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। इनमें से इस सेंटेंस का कौन सा वर्ड इस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है? टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। ऑप्शंस आर डिमिनटिव, ट्राइवियल, नथिंग या फिर नोटिसेबल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइवियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन सम सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एंट्रिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? द शो, द हॉल, हैड स्टार्टेड या फिर एंट्रिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एंट्रिंग। जो सेगमेंट है उसमें ग्रामेटिकल एरर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। अ बुल इन अ चाइना शॉप। इस आइडियम का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर अ पर्सन हु बिकम टू एक्साइटेड वेयर नो एक्साइटमेंट इज वॉरंटेड, अ पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, अ पर्सन हु इज वेरी अगली बट लव्स द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, अ रफ एंड क्लम्सी पर्सन एट अ प्लेस फॉर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ रफ एंड क्लम्सी पर्सन एट अ प्लेस फॉर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म को सिलेक्ट करना है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। ऑप्शंस आर द कमांडर वॉज ऑर्डर्ड बाय हिज सोल्जर टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। हिज सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। The commander ordered his soldiers to be moved forward and attack the enemy camps. And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number C. The soldiers were ordered by the commander to move forward and attack the enemy camps. Then next question is the adverbs can modify all the following except. Adverb सभी को modify करती है except other adverbs, verbs, nouns या फिर एडजेक्टिव्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाउंस को एडवर्ब्स जो है वो मॉडिफाइड नहीं करती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। इस वर्ड के लिए आपको वन वर्ड बताना है। ऑप्शंस आर एक्सेप्शनल, विजडम, न्यूबाइल या फिर वर्सेटाइल। एंड द करेक्ट आंसर इज द वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, वर्सेटाइल इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हेल्थ शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड बी नेवर बी डैश। ऑप्शन आर डिक्लाइंड, सस्पेंडेड, डिस्कार्डेड या फिर नेग्लेक्टेड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेग्लेक्टेड। हेल्थ शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ जेंटिल। जेंटिल का आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आर प्राइम, अर्बन, अनसिविलाइज्ड या फिर स्टफी। And the correct answer is the option number C, uncivilized. Then next question is the in the sentence identify the segment which contains the grammatical error. No sooner did we receive your message when we heaved a sign of relief. Options are when we heaved a sign of relief, your message, or did we receive. And iska jo correct answer hoga wo hoga option number A, when we heaved mein grammatical error hai. Then next question is the select the correct indirect form of the given sentence. He said to me, what are you doing? Options are he asked me that, what was I doing? He said that I had been doing. He asked me what I was doing. He said that what I was doing. And iska indirect form jo hogi wo hogi option number C. He asked me what I was doing.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर सेलेक्ट करना है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ऑप्शन आर यूटिलाइज टू द ओवरऑल इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर यूटिलाइज टू द ओवरऑल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर. शी डोंट स्पीक ऑफ आइदर जर्मन और फ्रेंच. ऑप्शन आर और ऑफ स्पीक और डोंट. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ शी डोंट स्पीक ऑफ आइदर जर्मन और फ्रेंच. ऑफ इसमें जो है एरर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्शन ऑफ सेंटेंस व्हाट योर सन नेम इज. आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है. ऑप्शन आर योर सन नेम इज व्हाट. व्हाट इज योर सन नेम. व्हाट योर सन नेम. नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी व्हाट इज योर सन नेम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैमोफ्लेज इज वन वे एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. इज दिस ब्राउन प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव. ये आपके पास सेंटेंस दिया है. इसमें कौन सी प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव. ऑप्शन आर इंटेंसिव राउंड प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नन ऑफ द अबव एंड बोथ ए एंड बी. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें यूज हुई है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड. एवरी वन हैज स्पेशल स्किल्स सम पीपल यूज दम वेरी वेल. एवरी वन हैज स्पेशल स्किल्स एंड सम पीपल यूज दम वेरी वेल. ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं. आपको करेक्ट पंक्चुएटेड करेक्ट पंक्चुएशन जो है इसमें सेलेक्ट करना है. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. यह करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनरिक इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू. जेनरिक के मीनिंग के जैसे कौन सा वर्ड है. ऑप्शन आर ट्रेडमार्क्ड ब्रांडेड बेसिक या फिर स्पेसिफिक. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी बेसिक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वर्ड्स वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स. द अल्फा एंड द ओमेगा. ऑप्शन आर द बिगनिंग एंड द एंड. वेरी कॉस्टली द स्टार्स एंड द मून अ नाइस एक्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए द बिगनिंग एंड द एंड. जो है द अल्फा एंड द ओमेगा का मीनिंग है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. एक्रीमोनियस. एक्रीमोनियस का आपको अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है. ऑप्शन आर स्वेयर कर्सिव लीगल या फिर हारमोनियस. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी हारमोनियस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट द सेंटेंस ग्रामेटिकली शी वेंट टू जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस. आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है. ऑप्शन आर टू डिस्पाइट नन ऑफ द अबव एंड ऑफ. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑफ. शी वेंट टू जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का एंटोनिम कौन सा है. एलिमेंटल इनेट कोनेट या फिर एक्वायर्ड. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्वायर्ड जो है इसका एंटोनिम है. तो ये आज के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन थे. अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय. टेक केयर.